पहले मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी विद गुड वाइब्स लिप बम और ये वैनिला फ्लेवर का है। इसके बाद फेस हाइड्रेशन के लिए मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का मलबेरी फेस मिस्ट यूज कर रही हूँ। आजकल मैं ये बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी मैं गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम यूज़ कर रही हूँ फॉर एक्सेस मॉइस्चराइजेशन। आज मैं मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़्यादा करूँगी फेस पे क्योंकि मैं फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ। आप देखना कितनी अच्छी तरह से मेरे फेस पे फाउंडेशन ब्लेंड होते हैं मॉइस्चराइजेशन की वजह से। अभी मैं गुड वाइब्स का कोकोनट क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये क्रीम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप विंटर केयर के लिए कुछ क्रीम लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ये वाला क्रीम ट्राई करना, और ये ऑल स्किन टाइप क्रीम है तो आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैं स्किन को प्रेप करने के लिए आर्म स्टार का प्राइमर यूज कर रही हूँ और ये है सिलिकन बेस्ड प्राइमर, और ये भी मेरे लिए नया है। मैंने इसको एक दिन ही यूज किया है और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। इतना ज्यादा लाइट वेट है ना कि आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो अपने मेकअप पे। अभी मैं यहाँ पे मेबलिन का मास्टर एज रिवाइंड कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ। ये एक फुल कवरेज कंसीलर है, आपको बता देती हूँ। और मैं आज कंसीलर को ज़्यादा यूज़ करूँगी क्योंकि आपको तो पता ही है मास्क की वजह से मेरे फेस पे आए हैं ब्रेकआउट्स, तो उसको हाइड करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कंसीलर आज यूज़ करना पड़ रहा है। अभी मैं इस कंसीलर को कलर बार के जो ब्यूटी ब्लेंडर है मेरे पास ब्लैक, इसको यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा वाला ब्यूटी ब्लेंडर है। वैसे सारे जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज लिंक मिल जाएगा। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे पर्पल का व्हाइट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आज इसका ना एक ही पंप लेने वाली हूँ क्योंकि पिछले दिन ज़्यादा हो गया था, और मैं ब्रश की मदद से डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी। जब मैं इसको ब्लेंड कर रही थी ना तब मुझे ये लग रहा था कि आज भी ये बहुत ज़्यादा हो गया है मेरे लिए। लास्ट डे से कम हुआ है बट फिर भी ज़्यादा हो गया है, तो मुझे लग रहा था एक एक साइड पे मेरे दो तीन अगर मैं डॉट लगा लेती फेस पे तो अच्छा होता, ज़्यादा नहीं होता बट सफिशियंट, और ये मोर देन सफिशियंट हो गया है मेरे लिए। अभी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। मैं ब्लेंडिंग का पार्ट थोड़ा सा कट करूँगी क्योंकि इसको ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, बट ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था क्योंकि मैंने मॉइस्चराइजेशन भरपूर किया है। अगर मैं सफिशियंट लेती, मैंने एक्स्ट्रा सफिशियंट ले लिया है, मोर देन सफिशियंट इसको मैंने ले लिया है। अगर मैं थोड़ा करके लेती तो ब्लेंड बहुत जल्दी से हो जाता और बहुत पहले ही हो जाता।
अभी मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए स्टे क्वैकी का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ और एक पाउडर ब्रश की मदद से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। और ये ब्रश जो है मैंने क्लब फैक्ट्री से ले लिया था, बट अभी ये आपको मिलने वाला है नहीं क्योंकि क्लब फैक्ट्री तो बंद हो चुका है और ये वाला ब्रश मुझे बहुत ही अच्छा मिला। अभी आईब्रोज के लिए मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का जो ब्राउन शेड है उसको यूज़ करूँगी। तो पहले स्पूली की मदद से मैं कॉम कर लेती हूँ। स्पूली है पूना स्टोर का और ये एक लोकल ब्रश है जो मुझे आई शेडो के साथ मिला था। तो मैं अपने ब्रो के जो गैप्स है उसी को फील करूँगी। ज़्यादा कुछ करना है नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं करती हूँ मेरे आईब्रोज के, क्योंकि ऐसे ही वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है मेरे आईब्रोज के, बट कुछ गैप्स रह गए हैं उसी को मुझे फिल आउट करना है, तो मैं वही कर रही हूँ। अभी मैं ले रही हूँ NYB का मेकअप फिक्सर स्प्रे और इसको ही मैं स्प्रे करूँगी। बहुत अच्छा वाला स्प्रे है बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका फ्रेग्रेंस है। अभी आई शेडो के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ यू कैन बी फ्रूट पाई पैलेट और आपको तो ये पता ही है मैंने इसके ऊपर रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट रिसीव किया है और उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं। तो यही पैलेट से मैं ये वाला जो स्पार्कल ऑरेंज शेड है इसको पहले यूज़ करूँगी अपने फिंगर टिप से दोनों आई लिड्स में। अभी इसी पैलेट से ये वाले ब्राउन शेड मैं ले रही हूँ और ये एक फ्लैट ब्रश की मदद से ना मैं एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, जो मेरे आई लिड को थोड़ा सा डेफिनेशन देने वाला है। और ऐसे ही थोड़ा सा शेप करके मैं और एक ब्रश से एकदम ब्लेंड कर रही हूँ मिडिल के तरफ, मेरे आई लिड्स के जो मिडिल एरिया है उसकी तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। तो अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, दोनों आईज पे मैं सेम करूँगी। अभी इस पैलेट का जो ऑरेंज शेड है उसी को लेके मैं लोअर लैश लाइन को भी स्मज कर रही हूँ, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। लोअर लैश लाइन को भी मैं आई शेडो के शेड से ही स्मज करती हूँ। अभी मैं यहाँ पे मेबलिन का ये वाला आईलाइनर यूज़ करने वाली हूँ, हाइपर ग्लॉस कुछ इस तरह से इसका नाम है, जो कि है ग्लॉसी आईलाइनर। और मैं इसको कोई भी विंग्स ड्रॉ नहीं करूँगी इससे, क्योंकि मेरे जो सिग्नेचर लुक है उसमें कोई भी विंग्स नहीं आते हैं, वो तो आपको पता ही है।
सिंपल तरीके से मैंने कर लिया है। अभी ये क्लिनिक का काजल है, काजल बहुत ही अच्छा है, एकदम कोल्ड डार्क है ये काजल, और एक बार इसको स्मच करने से ही इतना ज़्यादा डार्क हो जाता है, और स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, मुझे ये काजल बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी पर्पल का मास्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये वाटरप्रूफ मास्कारा है, ये ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं देता है बट मास्कारा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, रिजनेबल प्राइस में है, ऑफर में मिलता है और एकदम ही वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है। अभी मैं यहाँ पे NYV का गोल्डन काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ये लेने से ना मुझे बहुत इजी हुआ, ये जो कॉर्नर है आई कॉर्नर में हाईलाइट करने में मुझे बहुत इजी हुआ। अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मार्क पैलेट फ्रॉम आई वॉन्ट टू कंटोर माई फेस, तो मैं ये पूना स्टोर का कंटोर ब्रश यूज़ कर रही हूँ कंटोरिंग के लिए। आप देख सकते हो मैं अभी कंटूर कैसे कर रही हूँ, जस्ट डैब डैब कर रही हूँ बस एक ही एरिया पे। अभी मैं फोरहेड को भी कंटूर करूँगी, अपने जॉ लाइंस को भी करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा डबल चिन का प्रॉब्लम है, और अपने नोज़ के साइड में भी कंटूर करूँगी। इसी पैलेट से मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी, मैं कर रही हूँ चीक बोन्स पे, करूँगी ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, जॉ लाइन, और अपना फोरहेड पे भी थोड़ा सा करने वाली हूँ। लिपस्टिक के लिए मैं पहले यूज़ कर रही हूँ लैक्मी एनरिच का लिपस्टिक। मैं इसका शेड बताऊँ तो ये है PM19, ये रेड शेड में है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका परचेज लिंक मिल जाएगा। उसके ऊपर मैं NYV का शेड नंबर 9 यूज़ कर रही हूँ, आपको तो पता ही है ये एकदम ऑरेंजिश है, मैं इसको रेड के ऊपर डाल रही हूँ क्योंकि एकदम फेड ऑरेंज जो है वो मेरे फेस पे ज़्यादा अच्छा जाता नहीं है, तो रेड के ऊपर डालने से आप देख सकते हो कितना सुंदर एक रेड सा कलर आया है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और मेरे साड़ी के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा था। अभी मैं मेबलिन का कलर शो ब्लश यूज़ करने वाली हूँ, ये है कोरल पिंक। पूना स्टोर का मैं ब्रश ले रही हूँ, ये पाउडर ब्रश है पूना स्टोर का, डैब डैब करके थोड़ा सा ब्लश अप्लाई करूँगी, मैं ब्लश ज़्यादा अप्लाई करती नहीं हूँ आपको पता है। फिर से मैं यहाँ पे NYV का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ टू फिक्स द ऑल ओवर मेकअप। मैं हेयर को कर्ल कर रही थी तो मैं एक साइड का पार्ट शूट ही नहीं किया, मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था, तो दूसरे साइड में भी मैं कर रही हूँ, वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं करूँगी, बस 3 सेक्शंस को मैं ले रही हूँ और उसको कर्ल कर रही हूँ, छोटे छोटे सेक्शंस को, जस्ट मेरे हेयर के सामने ज़्यादा फ्लैट ना लगे इसी के वजह से मैं कर्ल कर रही हूँ, और कर्ल हो जाने के बाद मैं अपने हाथों से ही ये सारे कर्ल को ठीक करूंगी। अब देख सकते हो मैं इसको खोल रही हूँ ताकि एकदम नेचुरल दिखे ये कर्ल्स। अभी मैं नेल्स को रिमूव करने वाली हूँ, नेल्स को मतलब कि नेल पॉलिश को रिमूव करने वाली हूँ जो कि मेरे पुराने डाले हुए हैं, और ये स्टेक्वाकी का नेल पॉलिश रिमूवर है, कुछ अलग तरह की है, इसके अंदर एक स्पंज है, उसके अंदर रिमूवर है, आप ऐसे ही अपना फिंगर इसके अंदर डैप करोगे तो आपका जो नेल पॉलिश है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा आपके फिंगर को 2-3 टाइम्स,
अभी मैं NYV का ये ऑरेंज शेड को पहनने वाली हूँ, जो कि मेरे साड़ी के साथ बहुत अच्छी तरह से जा रहा था। मैं ज्वेलरीज और साड़ीज डालने से पहले ना ये नेल पॉलिश पहनने वाली थी, क्योंकि वरना अगर बाद में डालती ना तो सारे चारों तरफ ये लग जाता, तो मैं इसको ड्राई करने के बाद ही मैं साड़ी और ज्वेलरीज पहनी हूँ। मैंने डाल लिया है अपना साड़ी और साड़ी के साथ ब्लाउज बहुत अच्छी तरह से जा रहा था और नेल पॉलिश भी मेरा ड्राई हो चुका था। ब्लाउज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अभी मैं डालने वाली हूँ ज्वेलरीज। पहले मेरे हाथ में आया ये, और ये है नेक पीस और इयर रिंग जो कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था हॉल में, वही है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मुझे सच में ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। इतना हैवी वाला ऑक्सीडाइज वाला सेट मेरे पास पहले था नहीं, तो इस बार मैंने ये ले लिया। अभी मैं डालने वाली हूँ मांग टीका, तो मैंने बीच में पार्टीशन कर लिया है। अभी एक टिकटॉक क्लिप के मदद से मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी मेरे मांग टीका को पीछे की तरफ। अभी मेरे जो सेक्शन है मैं लेफ़्ट की तरफ ले लूँगी मेरे हेयर को। अभी मैं डालने वाली हूँ काढ़ा, और इसका वेट मैं बहुत दिनों से कर रही थी, तो ये फाइनली मेरे हाथ पे आ गया। और इसको तो मैंने दिखाई दिया मीशो हॉल में, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये। और इसके साथ जो कम्प्लीमेंट्री मिला है मुझे एक नोज पिन, इसको भी मैं डालूंगी। बट मैंने एक गलती जो कर दिया, मिस कर गई मैं, मैंने फिंगर रिंग नहीं डाली, मैं भूल भी गई, सामने ही था। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो ये है मेरा फाइनल लुक। अभी देख लो फुल साड़ी के साथ ये कैसा लग रहा है।